आज तारीख हो चुकी है 13 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी फिर टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वह थी यहाँ पर ट्रेड के अपडेट को लेकर। दरअसल हमने आपको ये बता रखा है कि यहाँ पर ट्रेड विंडो चल रही है, लगभग दिसंबर के महीने तक ये ट्रेड विंडो चलेगी। पिछले साल भी 7-8 खिलाड़ी ट्रेड हुए थे, इस साल भी हमें 10-12 खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखेंगे, एक टीम से दूसरी टीम में जाते हुए देखेंगे। इसी सिलसिले में यहाँ पर खबर ये कि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता के यहाँ पर पिछले आईपीएल एडिशन के कप्तान नीतीश राणा को ट्रेड करना चाहती है। दरअसल यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता को यहाँ पर नीतीश राणा की ट्रेड का प्रपोजल दिया। हालांकि इनके बदले में ये टीम कौन सा प्लेयर दे रही थी या फिर पैसों में डील कर रही थी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन नीतीश राणा को ये टीम ट्रेड करना चाहती थी। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट है कि कोलकाता ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। हो सकता है कोलकाता की टीम इस ट्रेड को एक्सेप्ट कर ले या फिर डिक्लाइन कर दे, लेकिन कोलकाता ने हाल फिलहाल में तो कोई भी जवाब नहीं दिया। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर ये ट्रेड कन्फर्म होगी या फिर कोलकाता की तरफ से जो भी जवाब होगा वो हम अपडेट कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर नीतीश राणा लखनऊ में जाते तो आप लखनऊ के कौन से प्लेयर को आखिर कोलकाता की टीम में देखना चाहोगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर को लेकर। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर यहाँ पर अब इंग्लैंड पहुंच चुके, जहाँ पर इंग्लैंड में एशेज चल रहे और एशेज के दौरान यहाँ पर जस्टिन लेंगर करंटली ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहे, करंटली ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच है। तो उनसे बातचीत करने के लिए और आईपीएल की प्लानिंग के लिए लखनऊ के ओनर्स यहाँ पर करंटली इंग्लैंड पहुंच चुके। इंग्लैंड में जाकर वो हर रोज यहाँ पर जस्टिन लेंगर से मीटिंग कर रहे, इसके साथ आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए डिस्कशन कर रहे, बातचीत कर रहे। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि लखनऊ के ओनर्स आखिर आईपीएल जीतने के लिए कितने अधिक उत्सुक है, कितनी अधिक तैयारियां ये कर रहे, स्पेशली आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए काफी अधिक एफर्ट्स लगा रहे, काफी अधिक तैयारियां कर रहे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लगातार 2 साल प्लेऑफ में जाने के बाद इस साल यहाँ पर जस्टिन लेंगर लखनऊ को आखिर आईपीएल जिता पाएंगे या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है एशिया कप के शेड्यूल को लेकर। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल ने यह कंफर्म कर दिया कि अब यहाँ पर एशिया कप का यहाँ पर शेड्यूल फाइनलाइज हो चुका है, तैयार हो चुका है और 14 जुलाई को यानी कल के दिन ये शेड्यूल रिलीज हो जाएगा। कल के दिन शेड्यूल अब ऑफिशियल कर दिया जाएगा। आपको बताइए कि आपको शेड्यूल सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि शेड्यूल आते ही आपको यूट्यूब पर भी वीडियो देखने को मिल जाए, टेलीग्राम पर भी अपडेट मिल जाए और आप कमेंट करके बताइए आप एशिया कप के शेड्यूल के एक्साइटेड हो या फिर नहीं, अगले महीने से जो एशिया कप होगा उसका वेट कर रहे हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है श्रेयस अय्यर की तरफ से। दरअसल फाइनली श्रेयस अय्यर अब इंजरी से यहाँ पर ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके, अब नेट्स में इन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कल 2 घंटे इन्होंने नेट्स में बल्लेबाजी करी थी, आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो सब कुछ देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से करंटली ये नेट्स में तैयारियां कर रहे हैं, करंटली ये नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब श्रेयस अय्यर फाइनली कमबैक के लिए तैयार है। स्पेशली यहाँ पर एशिया कप में तो शायद ये कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कमबैक कर ले, जहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की यहाँ पर नीड होगी। तो कुल मिलाकर अय्यर का रिकवर होना करंटली भारतीय टीम के लिए यहाँ पर बड़ी कुछ खबर है। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई के दीपक चाहर की तरफ से। दरअसल यहाँ पर कुछ सोर्सेस, कुछ रूमर्स यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर चेन्नई के दीपक चाहर को कोलकाता की टीम ट्रेड करने को देख रही है। कोलकाता ने इनकी ट्रेडिंग के लिए इनको ऑफर भी दिया, प्रपोजल भी दिया। तो कुल मिलाकर अब दीपक चाहर के पीछे यहाँ पर कोलकाता की टीम भी, हालांकि दीपक चाहर की ऑक्शन प्राइजिंग यहाँ पर 15 करोड़ थी, शायद इतने रुपये यहाँ पर कोलकाता की टीम ना दे पाई। कोलकाता की टीम इनको किसी प्लेयर से एक्सचेंज कर सकती है या फिर 7-8 करोड़ में इनको ट्रेड कर सकती है, लेकिन रिपोर्ट तो यही निकल कर आ रही है कोलकाता ने दीपक चाहर को यहाँ पर ट्रेड का प्रपोजल दिया। हालांकि शायद अगर जब तक चेन्नई अप्रूव नहीं करेगी, दीपक चाहर एमएस धोनी को और चेन्नई को छोड़कर वैसे भी नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर अपने पूरे करियर में एमएस धोनी की टीम से ही यहाँ पर खेलना चाहेंगे। हालांकि अब जल्द ही ये कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर एमएस धोनी और चेन्नई की तरफ से क्या अपडेट है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप दीपक चाहर को क्या कोलकाता की जर्सी में देखना चाहोगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर भारत वेस्टइंडीज के यहाँ पर पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन को लेकर। दरअसल भारत वेस्टइंडीज के यहाँ पर पहले
टेस्ट मुकाबले के पहले दिन वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहले दिन भारतीय टीम का पूरी तरीके से दबदबा रहा है, जहां पर वेस्टइंडीज में जाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का दबदबा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीट पहले दिन की समाप्ति के बाद का स्कोर देख पाएंगे। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम आज की तारीख में सभी टीमों में से सबसे अधिक कमजोर है, स्पेशली ये टीम वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय टीम ने ओवरऑल वैसे भी अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे भी यहां पर वेस्टइंडीज जैसी मुश्किल सिचुएशन में काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। अब हम बात करते हैं यहां पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है गौतम गंभीर की तरफ से। दरअसल गौतम गंभीर से यहां पर कोलकाता की टीम ने अब यहां पर मेंटोर बनने के लिए यहां पर बातचीत करी। इवन गौतम गंभीर भी शायद यहां पर लखनऊ को छोड़ने का मन बना चुके। गौतम गंभीर लखनऊ को यहां पर अपनी तरफ से अब यहां पर लेटर दे चुके कि वो लखनऊ को अब छोड़ रहे। हालांकि अभी लखनऊ के यहां पर ओनर के अप्रूवल का वेट है। अगर लखनऊ के ओनर गंभीर का रिजाइन यहां पर अप्रूवल कर देंगे, कुल मिलाकर गंभीर जो रिजाइन कर रहे हैं वो अप्रूव कर देंगे, तो गंभीर कल ही इस टीम को छोड़कर कोलकाता के मेंटोर बन जाएंगे। हमने देखा था जब ईडन गार्डन में यहां पर लखनऊ और कोलकाता का मुकाबला था, तब गंभीर को क्राउड से कितना अधिक प्यार मिला था, जहां पर कोलकाता के फैंस गंभीर को यहां पर कोलकाता की जर्सी में देखना चाहते, कोलकाता के डगआउट में यहां पर देखना चाहते। तो कुल मिलाकर यहां से काफी अधिक हिंट बन रही है, गौतम गंभीर अब कोलकाता के मेंटोर बन सकते। ऑलमोस्ट अब भी 90% चांस है कि गंभीर कोलकाता के मेंटोर बन सकते, जहां पर गंभीर ने तो रिजाइन का अप्लाई कर दिया। अब लखनऊ के ओनर्स जब भारत आ जाएंगे तब उनकी तरफ से यहां पर अप्रूवल आने के बाद गंभीर डायरेक्टली यहां पर कोलकाता की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप गंभीर को क्या कोलकाता में आप मेंटोर के तौर पर देखना चाहोगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई की टीम के यहां पर वर्ल्ड वाइड इतने अधिक फैंस है कि ओमान में यहां पर चेन्नई के नाम से यहां पर रेस्टोरेंट ओपन हो रखा। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियोस देख पा रहे होंगे, जहां पर चेन्नई का नाम चेन्नई के थीम से ये रेस्टोरेंट यहां पर ओपन हो रखा है। तो ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में शायद सबसे अधिक यहां पर चेन्नई के फैन हो, एमएस धोनी की वजह से सबसे अधिक यहां पर चेन्नई के फैंस हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी टीम के आखिर फैन हो और क्या रीजन है, आप किस रीजन के चलते हुए कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।